वेलकम स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं नाइट प्रेयर। पिता का धन्यवाद करेंगे जो पिता ने हमें संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। पिता का धन्यवाद करेंगे। ठीक है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हम सभी से प्रेम करता है। पिता का प्रेम बहुत बड़ा है। ठीक है, उतना प्यार मनुष्य हमें नहीं कर सकता है। ठीक है, आज भाई भाई का कत्ल कर देते हैं धन दौलत के चक्कर में। ठीक है, तो जरा सोचो आपके लिए कौन लहू बहाएगा, कोड़े खाएगा, मार खाएगा। एक ऐसा ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए खून बहाया, कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती से दर्द सहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक है, पिता का धन्यवाद करिए। याद करो परमेश्वर ने हम सबको संसार से चुना है, लाखों भीड़ में से, संख्या में से परमेश्वर ने हम सभी को चुना है, चुनकर अलग किया है। ठीक है, तो हमें संसार में घुलना मिलना नहीं है। ठीक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें घुलना नहीं मिलना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, उजियाला जो है ना, अंधेरे को कभी ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे प्रिय प्रिय भाई और बहनों, यदि आपकी बुरी संगति है तो उस बुरी संगत को छोड़ दो। बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो मेरे प्रिय भाई और बहनों। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपना उठाना बिछौना सब चेंज कर दो, उठना बैठना बदल दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह का वचन कहता है, धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों की मंडली में बैठता है, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, धन्य कहता है उस पुरुष को, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, बुरी संगत में नहीं बैठता है। धन्य कहता है उस पुरुष को परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, कूड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सही, दुख सहा, दर्द सहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता का हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु हमारा महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु। यीशु मसीह ने कहा है, तुम अन्य जातियों के समान सोते ना रहो, अज्ञान ना रहो, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, जो मतवाले हैं वे दिन ही के मतवाले हैं। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नहीं सोते ना रहें, उनके विषय में अज्ञान ना रहें, क्योंकि हमको तो पता ही है सच्चा परमेश्वर कौन है। ठीक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि पिता हमारा जब आएगा तो उसी को लेकर जाएगा जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, जो धर्मी होगा, जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, वही यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा रैप्चर में। इसलिए यीशु मसीह जल्दी नहीं आ रहा है, क्योंकि पिता नहीं चाहता है कि मेरे पुत्र पुत्रियां नाश हों। पिता ये नहीं चाहता है। ठीक है, धनवान के विषय में आप जानते होंगे कि एक धनवान था। धनवान का शरीर तो मिट्टी में मिला पड़ा हुआ है, परंतु उसकी आत्मा अभी भी अधोलोक में तड़प रही। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता का धन्यवाद करिए। ठीक है, जो भी समस्या, जो भी तकलीफ है आपके जीवन में, पिता को बताएंगे, पिता के सामने रखेंगे। ठीक है, अपने सर को झुकाइए, अपने घुटने टेक कर बैठ जाइए और इस प्रार्थना को काट पीट कर नहीं देखते हैं। प्रार्थना है, प्रार्थना को हल्के में नहीं लेते हैं, प्रार्थना को लास्ट तक सुने और लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव करें। ठीक है, तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, मेरे प्रभु, जो आपने हम सभी को मेरे पिता ज्योतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है मेरे पिता, इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता कितने तो मनुष्य होंगे, कितने तो अन्य जाति लोग होंगे मेरे पिता, जो मर गए होंगे, जो नर्क में चले गए होंगे मेरे पिता। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जो आपने मेरे प्रभु हम सबों को मेरे पिता जीवतों के बीच में मेरे जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है मेरे पिता, इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता, जो बीमार हैं, जो बीमारी की हालत में लपेटे हुए हैं, ग्रस्त हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु वे नहीं ठीक हो रहे मेरे पिता। वे तमाम इलाज दवाइयाँ करा चुके हैं मेरे प्रभु, फिर भी वे नहीं ठीक होते मेरे पिता। मेरे प्रभु उनके शरीर में कुछ भी समस्याएं हैं मेरे प्रभु, किसी को पीलिया, बुखार, डेंगू है, पथरियाँ, रसोलियाँ, गिल्टियाँ, ब्लड कैंसर, कुछ भी नाना प्रकार की बीमारियाँ, गंदक खतरनाक बीमारियाँ मेरे प्रभु। मेरे पिता वे आपसे बड़ी कुछ नहीं है मेरे प्रभु, आप उन्हें छुए मेरे पिता और वे चंगे होने पाए, वे हील हो जाएं मेरे प्रभु। किसी के पास इतना पैसा नहीं है मेरे पिता कि अपना इलाज करा सके हॉस्पिटलों में मेरे पिता, मेरे प्रभु आप उन्हें छुए मेरे पिता, आप उनके जीवन में आए मेरे प्रभु और आप उन्हें चंगाई दे, चंगाई शिफा रिलीज कर दे यीशु मसीह आपके नाम से, रिलीज कर देते यीशु मसीह आपके नाम से।
रिलीज कर देते इस मसीह आपके नाम से, चंगी हो जाए इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में चंगी हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यास मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से पुकारते हैं, आपके नाम से गुहारते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता हर एक जनों को छू लीजिए मेरे प्रभु, जितने लोग आपकी हुजूरी में आपकी उपस्थिति में बैठे मेरे पिता पवित्र आत्मा जी, हर एक जनों को छू लीजिए। कोई रोग दुख बीमारी में हुए रिलीज हो जाए, आजाद हो जाए मेरे पिता। जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी बात को लेकर टूट चुके हैं, निराशा में, उदासी में मेरे पिता, बेचैनियों में मेरे पिता, मेरे प्रभु जो इस वक्त इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं मेरे प्रभु, और लास्ट में अमीन बोलकर रसीव करें मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा जी हर एक जन को छू लीजिए, उनका रोना बिलखना चिल्लाना बंद हो जाए। यू टच मी पवित्र आत्मा जी, यू टच मी पवित्र आत्मा जी, छू लीजिए, ब्लेस कर दीजिए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, पवित्र मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आप पवित्र हैं मेरे पिता, उसी प्रकार से हम सबों को भी पवित्र बनाइए मेरे प्रभु, ताकि आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके मेरे पिता। क्योंकि पिता जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ जगह पवित्र है, वहाँ सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। यास मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने कहा है जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। आपने कहा जो अपने अपराधों को मेरे सामने मान लेता है, उन्हें छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी, उसके पापों को क्षमा दी जाएगी। यास मेरे प्रभु, मेरे पिता आप महान हैं, आप दयालु मेरे पिता जी, में सभी से पाप गलती गुनाह हुए मेरे प्रभु, आप माफ करें, आप क्षमा करें मेरे पिता। क्योंकि पिता आपके पास ये अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को, धर्मों को ढाप सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं मेरे पिता। आप माफ करें, आपका दयावाला हाथ पिता हर एक जनों को छू ले। यू टच मी पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, पवित्र आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु पापा, जो पिता दुष्ट आत्माओं की चपेट में मेरे प्रभु, मेरे पिता दुष्ट आत्माएं इन्हें परेशान करके रखी मेरे पिता परमेश्वर। कोई सतानी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में कार्य ना करने पाए मेरे पिता, आपके नाम से कौसो दूर खदेड़ दी जाए, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से कौसो दूर उठाकर फेंकी जाए इस मसीह आपके नाम से। मेरे पिता इनके चारों तरफ आपके लहू का बाड़ा, आपके दूध का बाड़ा बांध देते हैं। यू टच मी पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा हो, आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है मेरे प्रभु, क्योंकि आप महिमा करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु आपने मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दिया, कुड़िया पाइजों को शुद्ध किया मेरे प्रभु, जो लंगड़े हैं नहीं चल पाते मेरे पिता, इनके पैरालाइज से कुछ भी रसोलिया कुछ भी समस्या मेरे पिता, आप उन्हें छुए मेरे पिता। जिस प्रकार से पिता आपने लकवे रोगी से कहा उठ खाट उठा अपने घर को जा, मेरे पिता लकवा रोगी चंगा हो गया और अपने घर को चला गया। यास मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे पिता इनके जीवन में आए मेरे पिता, इनके लाइफ स्टाइल को बदल दीजिए मेरे पिता, ये चंगे हो जाएं, ये हील हो जाएं, फ्री हो जाएं पिता। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी जयकार करते मेरे पिता। मेरे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते जिन पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है मेरे पिता, वो लड़ाई झगड़ा नहीं बंद होता है यीशु मसीह, हम चाहते हैं मेरे प्रभु आपके नाम से वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, वो लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए पवित्र आत्मा जी। उनके घरों से शैतान निकले, अभी इसी घड़ी निकले शैतान यीशु मसीह आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा का आपके थरथराती का उसको दूर भागते मेरे प्रभु आपसे। मेरे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो गरीब है, जो लाचार है मेरे प्रभु, जो कमाने ले नहीं है मेरे पिता, इनके हाथ मांगने ले नहीं मेरे प्रभु, इनके हाथ देने ले बना दीजिए मेरे प्रभु, इनके हाथ देने ले हो जाएं, ये बहुत ही जातियों को उधार देने वाले बन सके यीशु मसीह आपके नाम से। हालेलुया। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो रात में नहीं सो पाते, डर लगता, भय लगता, गंदे सपने ख्याल विचार आते हैं मेरे प्रभु आपके नाम से मेरे पिता, वे गंदे सपने जल कर राख हो जाए मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने लगे भैसे न डरना। यास मेरे प्रभु आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से पुकारते मेरे पिता, पिता के चारपाई के पास आपके लहू का बाड़ा बांध देते मेरे प्रभु। मेरे पिता ये छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन और आमीन।